नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों। स्टेट बैंक मतलब भरोसा, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, और इसकी म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो भी सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी है। इसके अंदर पैसा लगाना यानी कि एक सेफ पैसा आप लगा सकते हो इसके अंदर। और जनरली लोग FD वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न नहीं मिलता है। FD से आपको यहाँ पे 3 से 4 गुना तक रिटर्न आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलो देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों मेरे यारों वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो SBI की एस स्कीम का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यानी कि एक इक्विटी बेस्ड फंड है, म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर अभी आप देखो तो शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है डे बाय डे, इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अभी इसके रिटर्न के बारे में हम बात कर ले तो इसका ऑल टाइम रिटर्न यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 14%, और लास्ट 5 साल की बात करें तो इसने रिटर्न निकाल के दिया है 13.60 यानी कि 13.5%, और लास्ट 3 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 13.80 यानी कि 14.5%, और 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न है दोस्तों 22%, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है इसके अंदर। अभी दोस्तों हम बात करें तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है। दोस्तों इसके अंदर आपको मिनिमम 500 रुपया इन्वेस्ट करना है, और इसकी फंड साइज़ क्या है, इसकी फंड साइज 12,990 करोड़ है, यानी कि इतना पैसा लोगों ने लगाया है इसके अंदर, 13,000 करोड़ रुपया लोगों का लगा है, इसलिए काफ़ी अच्छी है स्कीम है। और रेटिंग की बात करें तो 5 out of 4 रेटिंग है, इसलिए रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है इसका 1.70। अभी बात आती है एक्सपेंस रेशियो क्या। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड आपका मानो कि 1 लाख रुपया आपने दिया है तो ये मुफ्त में हैंडल नहीं करती, उसका चार्ज लेता है, जैसे दलाली लगता है ऐसे ये एक्सपेंस रेशियो लगता है। अभी आगे बात करें तो एग्जिट लोड मतलब आप बीच में से अगर निकल जाना चाहते हो तो वो 0 है, यानी कि कोई रुपया आपका कटेगा नहीं, पैसा आप वापस ले सकते हो। अभी दोस्तों हम बात करें तो आपका पैसा तो ले लिया, अभी ये बैंक कहाँ पे पैसा डालेगी, म्यूचुअल फंड की कंपनी पैसा कहाँ डालेगी। हम देखें तो इसकी होल्डिंग्स है ICIC बैंक में, इसने पैसा लगाया हुआ है 5.5% तक, फिर L&T में इसने 4.5% तक लगाया है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूमिनो इंडिया लिमिटेड में लगाया है इसने 4%, रिलायंस में है इसका स्टेक, HDFC काफ़ी अच्छी बैंक है इसके अंदर पैसा है, और SBI यानी कि खुद के बैंक में भी इसने 4.25% पैसा लगाया है, फिर भारतीय एयरटेल में पैसा लगा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, एक्सिस बैंक, ITC यानी कि बैंकिंग शेयर है और IT शेयर है, ऐसे सब शेयर इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है इसके अंदर दोस्तों। अभी बात करते हैं अगर आप हर महीने 2500 रुपया इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अभी हम बात करें तो 2500 रुपया आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, और उसको सामने आपको मिलेगा 74,000 रुपया, यानी कि टोटल जो होगा वो 2,24,000 रुपया आपको मिलने वाला है। अभी दोस्तों यहीं आप 2500 रुपया 15 साल तक भरोगे तो कितना मिलेगा, 15 साल तक आप भरोगे तो आपके जेब से जाएंगे 4.5 लाख रुपया, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4.5 लाख, उसके सामने आपको रिटर्न मिलने वाला है 12,42,000 रुपया, टोटल रिटर्न जो मिलेगा वो 16,90,000 रुपया। दोस्तों 2500 रुपया आप इन्वेस्ट करो, 15 साल में सीधा 16,90,000 यानी कि 17 लाख रुपया आपके हाथ में आ जाएगा। आपकी बच्चे की शादी है या बेटी की पढ़ाई है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। 2500 आज से जोड़ो और 17 लाख बन जाएंगे 15 साल के बाद। अभी दोस्तों यहीं 20 साल के बाद बात करें, 20 साल के बाद हम टोटल आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख, और उसके सामने रिटर्न मिलेगा 31,90,000, टोटल रिटर्न हो जाएगा 37,90,000 रुपया। तो दोस्तों आपने देखा कंपाउंडिंग पावर स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी आप 1 साल भी बढ़ाओगे तो बहुत सारा पैसा बढ़ जाएगा। 15 साल तक आप देखो कितना था, 16 लाख, और अभी सीधा 32 लाख 5 साल में। अभी 30 साल की बात करें तो आपका पैसा जेब से जाएगा 9 लाख, और टोटल आपको रिटर्न मिलेगा 1,66,00,000, और उसके सामने टोटल रिटर्न हो जाएगा 1,75,00,000 रुपया, यानी कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसके अंदर। आप इन्वेस्ट पैसा करो, आज ही आप स्टेट बैंक विजिट करो और ये स्कीम चालू करवा दो। दोस्तों 2500 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं, आप चाहे 1000 से भी कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो, और 500 से भी कर सकते हो। तो चलो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।